कांग्रेस कैसे सरकार चला रही है ये राजस्थान के लोगों से छिपा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है। मुझे एक घटना याद आती है, बहुत साल पहले की बात है, करीब 40 साल पहले की। तब तो हम राजनीति में नहीं थे, हम अपना संघ का काम करते थे और आमतौर पर संघ परिवारों में भोजन के लिए जाते थे। तो एक दिन मैं सुबह प्रवास कर करके लौटा, 12-1 बज गया था, तो हमारे एक वरिष्ठ साथी मुझे मिल गए। बोले, आप कहां से आ रहे हो? मैंने कहा अभी आ रहा हूं, दौरे से आ रहा हूं। तो बोले, भोजन का क्या प्रबंध है? मैंने कहा नहीं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अभी आया हूं, देखता हूं क्या करता हूं। नहीं, बोले चलो जल्दी करो, मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं प्रवास करके आ रहा हूं, मेरा स्नान वान बाकी है। नहीं, बोले स्नान कर लीजिए फिर चलते हैं। तो मैंने सोचा कहीं पर उन्होंने भोजन का प्रबंध किया होगा, तो हम चले गए वहां। तो बोले शादी है तो शादी में वहां जाना है, तो चलिए अपने स्वयंसेवक के घर में शादी है, तो हम चले गए। तो जिनके यहां शादी थी वो तो अपने दुकान घर के बाहर थी, वहां काम कर रहे थे, वो दर्जी थे, दर्जी काम कर रहे थे। तो हमने कहा भाई तुम तो कह रहे थे यहां शादी है, उनके यहां खाना खाना है। हम गए अंदर, उनको नमस्कार किया, हमने पूछा क्या हाल है कैसे है, फिर उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई, आज तो शादी का निमंत्रण था। बोले नहीं नहीं, ये शादी तो गए साल हो गई, पिछले साल हो गई शादी। तो कहा नहीं, मुझे कार्ड है ना। तो हमारे जो साथी थे थोड़े भुलक्कड़ थे, उन्होंने कार्ड निकाला और मैं हैरान था, पिछले साल का उसी तारीख वाला वो कार्ड था। हम बिना खाए घर वापिस आए। साथियों, खैर इस बात को कोई आपके राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैं अपनी पुरानी बात याद आई तो मैं इसका बता दूं। साथियों, मैं मानता हूं गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। कांग्रेस के लिए बजट और घोषणाएं होती ही कागजों में लिखने के लिए, योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा नहीं होता। साथियों, सवाल ये नहीं है कि कौन से वाला पड़ा, सवाल ये है कि पहले वाला जब पड़ा था साल भर उसको डिब्बे में बंद रखा था, इसके कारण ये हुआ है। अब राजस्थान को अस्थिर सरकार से मुक्ति चाहिए, अनिश्चितता से मुक्ति चाहिए।